हेलो दोस्तों, मैं शुभम आप सबको स्वागत करता हूँ एक और नए फ्रेश कमोडिटी वीडियो में। तो दोस्तों, क्या आप लोग भी बिजली गिरने के टाइम पर फोन यूज करते हुए बहुत टाइम डांट खाए हैं अपने मम्मी पापा से? तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और इस वीडियो का अगर आपको पसंद आता है तो अपने मम्मी पापा को भी दिखा देना, जिससे कि वो आगे से आपको नहीं डांटेंगे। तो दोस्तों, अब देर न करते आज की पेशकश शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे इंडिया में एक मिथ है कि हमें लाइटनिंग के टाइम पर स्मार्टफोन यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये एक ज़रा सा झूठी मिथ है और मैं इस मिथ को नहीं मानता और आप सबको भी नहीं मानना चाहिए। इसके पीछे मैं आप सबको रीज़न देता हूँ कि मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं और ऐसे भी आर्टिकल्स पढ़े हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा रिलीज किए गए हैं। तो उनमें कहीं भी ये लिखा नहीं है कि हमें बिजली के टाइम पर स्मार्टफोन यूज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, पर ये जो मिथ है ये 50% सच है, 50% झूठ है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम स्मार्टफोन यूज़ करते तो वहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं रहता लाइटनिंग के वजह से। पर अगर हम लैंडलाइन फ़ोन यूज़ करते हैं जो कि कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है, वहाँ पर थोड़ा तो रिस्क रह ही जाता है। क्योंकि वो जो कॉर्ड होता है वो एक पूरा जाल होता है, और किसी भी अगर टावर में बिजली गिरता है तो वहाँ कॉर्ड से आपके घर तक वो आ सकता है और आपको हानि पहुँचा सकता है। पर स्मार्टफोन यूज़ करने से बिजली के टाइम पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपके घर में मम्मी पापा ये सब बोलते हैं तो आप उन्हें ज़रूर से समझाइए कि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे स्मार्टफोन में उतना पावर ही नहीं होता। और अगर कोई भी आपको ऐसे ही बोल देता है कि नहीं बेटा स्मार्टफोन यूज़ नहीं करो, तो बताओ कि ये सब चीज़ नहीं होता ऐसे। और इसी के साथ ही साथ आपके मन में एक और अलग टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि बारिश के समय पर हमारे स्मार्टफोन में इंटरनेट स्पीड कम क्यों हो जाता है? तो इसके पीछे जो रीज़न है वो है कि जो इंटरनेट का जो रेडिएशन होता है वो एयर के थ्रू ट्रेवल करके आपके पास आता है। ऐसे टाइम पर एयर का जो डेंसिटी होता है वो वाटर के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए जो रेडिएशन होता है वो आपके पास अच्छे तरीके से ट्रैवल करके नहीं आ पाता। बहुत सारे टाइम पर बहुत सारे रेजिस्टेंस या फिर ऐसे कहते हैं कि बाधा मिलता है उसको, इसलिए वो आपके पास अच्छे तरीके से नहीं आ पाता, इसलिए आपका इंटरनेट स्लो हो जाता है। और इसका एक एग्जांपल आप देख ही सकते हैं कि जियो का नेटवर्क बहुत टाइम पर हो जाता है स्लो, जो कि मैंने देखा है क्योंकि मैं जियो सिम यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अपने फैमिली के साथ ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर देना, जिससे कि उन्हें भी पता चले कि बारिश के टाइम पर या फिर बिजली कड़कने के टाइम पर हम अगर स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो कोई भी हानि नहीं पहुँचता। और मुझे लगता है कि इस तरह के मिथ्स नहीं होने चाहिए, कि इस तरह के मिथ्स के कारण ही हम बहुत सारे झूठे झूठे अफवाह फैलाते रहते हैं। पर हमारा काम अफवाह फैलाना नहीं, हमें आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाना है। तो इस तरह की चीज़ें सीखने के लिए इस चैनल को सबसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।